हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विहान। मॉक टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का मॉक टेस्ट ज्योग्राफी के ऊपर है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे सभी लगाइए। फ्रेंड्स, हिमाचल के सभी एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स। फ्रेंड्स, सभी कोर्सेज आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा करवाए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सरकारी नौकरी के लिए। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किसके नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से सोचिए, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इंदिरा कोल। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशंस भी किया गया है, आप इसे रीड करिए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू और कश्मीर में स्थित है और इसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। अमरावती, अर्कवती, भवानी, चिन्नार, हेमवती, हनुहोल, काबिनी आदि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सहायक नदी है? फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो ये जो क्वेश्चंस है वो अभी सेंटर के एग्ज़ाम में बहुत ही बार हाईलाइटेड हुआ है 2018-2019 में। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। ठीक है, और मैगजीन्स में भी हाईलाइटेड है। ठीक है, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कावेरी नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से हेमवती, शिमशा, हनुहोल, अकाबिता, काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी, भवानी, अमरावती और नोयाल नदियाँ शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं टिपिकल से नेम है तो आप कावेरी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नामचिक नमफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट इज अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह से संबंधित प्रायद्वीपीय भारत के भारतीय तट के कुछ हिस्सों का अनुपात क्या है? इंग्लिश में भी आप रीड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है रेशो। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चंस को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आपके एचएस जैसे एग्जाम में, तहसील वेलफेयर के एग्जाम में क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि डीपली क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल का रहेगा ज्योग्राफी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए क्योंकि यहाँ पर रेशो की बात की गई है। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 2.5:1। क्यों होगा? क्योंकि जो आपकी टोटल कॉस्ट है, ठीक है, जो सीमा है, ठीक है, तट रेखा की यहाँ पर बात हुई है, वो है आपकी 7517 किलोमीटर, आपकी पेनिसुलर इंडिया जो कि आपके 5423 किलोमीटर, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड्स 2094 किलोमीटर, जब इनको डिवाइड किया जाता है तो आपके पास रेशो निकल के आएगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सभी को क्वेश्चंस आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत बार आपने क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस देखा होगा, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महानदी। फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध महानदी के पार बनाया गया है। यह बांध दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांध में से एक है और ये ओडिशा राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो फोकस करिए, लेक्चर्स को एंड तक अटेंड करिए और मॉक टेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए आप व्हाट्सएप करिए। क्वेश्चंस, सिलेबस, नोट्स, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सरकारी सीट पक्की कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उत्पादन शुरू करने वाला पहला गहरे पानी का ब्लॉक था? चलिए बताइए। फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी D6। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूँ तो अप्रैल 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, ठीक है, ने कृष्णा गोदावरी KG बेसिन में अपने D6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस पंप करना शुरू किया था और D6 उत्पादन शुरू करने वाला भारत का पहला डीप वाटर ब्लॉक था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जब हो जाता है तो आपके माइंड में ये चीज़ें छप जाती है और कई सालों तक भूलती नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह और
मलिकू एटोल को अलग करने वाले चैनल को निम्नलिखित में किसके रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए बताइए, चैनल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए, और आपके एग्जाम में अभी अलाइड के एग्जाम में भी एक चैनल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिला था, पिछले साल भी आया था। तो ये क्वेश्चंस घूम फिर के पूछे जाते हैं, जो अभी आपके हाईलाइटेड होते हैं तो आपको आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 9 डिग्री चैनल। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका सेपरेट्स लक्षद्वीप आइसलैंड्स एंड मालिकू एटोल, एंड 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान आइसलैंड्स फ्रॉम निकोबार आइसलैंड्स। ठीक है, तो ये दोनों चैनल्स आपको याद रखने हैं और सेपरेट्स भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भारत की जो मिट्टी है भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है? द राइट आंसर इज जलोड़। फ्रेंड्स, जलोड़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा ले जाया जाने वाला अपशेषण मिट्टी देश के उत्तरी मैदानों में मिट्टी का एक प्रमुख प्रकार है, जो गंगा के मैदानों और नदी घाटियों में व्यापक है। ये मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% है और भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कानिकर और युरुबा जनजाति पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से सोचिए, हाइलाइटेड है ये क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शंस नंबर डी। ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ इंडिया। ठीक है, कृष्णा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर बहती है? फ्रेंड्स, अगर ज्योग्राफी की जब भी हम बात करते हैं तो नदियाँ हो गई, सॉइल्स हो गई, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, तो 2-3 टॉपिक्स जो है वो आपको क्लियर करने ही हैं ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशंस भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, वीडियो पॉज कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये है HPG की हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, डिटेल्स प्राप्त करिए, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, MCQs नोट्स लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, किसी भी हेल्प के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।